वेलकम दोस्तों, आज हम जानेंगे डायमंड के बारे में। हीरा डायमंड ग्रीक शब्द आदम से आया है, जिसका अर्थ है अविनाशी। भारत, दक्षिण अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका ऐसे देश हैं जहां से ज़्यादा मात्रा में हीरे मिलते हैं। विश्व के लगभग 97% हीरे इन्हीं देशों में से मिलते हैं। डायमंड के मुख्य चार प्रकार हैं। विशिष्ट की कैटेगरी में रखते हीरे पूर्ण स्फटिक की रचना वाले, पारदर्शक और महंगे होते हैं, जिसका उपयोग आभूषण बनाने में होता है। डायमंड को कैरेट में मापा जाता है। एक कैरेट का हीरा मतलब 0.200 ग्राम, मतलब कि 200 मिलीग्राम। कोहिनूर, कैलिनन, ग्रेट मुगल, स्टार ऑफ द साउथ जैसे डायमंड्स पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। खीन में से मिलते हीरे मार्केट में नहीं बिकते, शिल्पकार इसे अच्छे से काटते हैं और आकार देते हैं। पत्थर के स्वरूप में निकलते हुए डायमंड को बेचने योग्य बनाने के लिए कटिंग, पॉलिश और सेटिंग की प्रोसेस में लाना पड़ता है। प्राचीन यूनानियों का मानना था कि हीरे सितारों की टुकड़ियां थी जो पृथ्वी पर गिर गई थी। आपने ऐसा सुना होगा कि हीरे को चाटने से मनुष्य की मृत्यु हो जाती है, पर यह सिर्फ एक भ्रम है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि डायमंड के बारे में ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे किसी नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।